नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और अगर आप जानना चाहते हैं तीन तलाक क्या है, हलाला क्या है, मुता क्या है, शरिया कानून क्या है, गजवा ए हिंद क्या है, तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दो चैनल के लिंक मिलेंगे। आप जाके दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। मसला है, उसके अलावा अब टेररिज्म उनके अगर देख लिया जाए तो वो एक इशू है, लेकिन ये जो इश्यूज है ना कि अब आप उसमें ऐड करते जा रहे हैं, ना कि आप हल करें। उसमें बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट्स इनकी बात की जाती थी, सर्किक का मसला है, सियाचिन सियाचिन है, ये अब आप हल कर सकते थे, उनकी बजाय अब उसमें और ज्यादा वजन डालेंगे लेकिन तो मतलब तो बैठ ही जाएगा। बैन अलाकवामी सतह पे बाकर साहब, आलमी सतह पे क्या हिंदुस्तान का नजरिया इस हद तक कामयाब नहीं हो गया कि बाकी भी ममालिक कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब कालादम तंजीमों पर कार्रवाई करनी चाहिए? और वो जो उन्होंने लिंक कर दिया है कि तमाम तालुकात पर हम सिर्फ तब बात करेंगे जब पाकिस्तान दहशतगर्दी पर बात करे, इसकी दो तीन है। एक तो चीजें हैं कि जो दुनिया में ओवरऑल एक टेररिज्म का आप कह लें एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा भी है, कहीं पे वो सपोर्ट करते हैं इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को, तो कहीं पे ये करते हैं। लेकिन जो चीज़, क्योंकि उनका बयानिया क्यों बिक रहा है इस वक्त इंडिया का, क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, लोगों के वहाँ पे स्टेक्स हैं, हमारे यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ें, वो पावर्स नहीं है। हम अपने आप को अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से लोगों को पिच करते रहते हैं। उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पर डेवलप किया, एक पोलिटिकल पावर हाउस के तौर पर डेवलप किया, फिर जिस तरह से जियो स्ट्रेटेजिक चेंजेस आ रही हैं, तो वो अपने आप को उन्होंने अमेरिका के साथ अलाइन कर लिया है टू कंटेन चाइना, तो ये सब के एक मिल के एक जो सिनेरियो बन रहा है उसमें पाकिस्तान उसका विक्टिम बन रहा है। ठीक, जिसका मतलब है पाकिस्तान की मईशत को अब से कहीं ज्यादा मजबूत, अगर आपने अपना नैरेटिव स्ट्रांग करना है इंटरनेशनल उसकी कम्युनिटी में, तो आपको अपने अंदर रिफॉर्म करनी पड़ेगी, अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें, दुनिया की पॉजिटिव स्टेट्स क्रिएट करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, इख्तलाफ से सफीर साहब को वापस बुला लिया है, फर्दर स्टेप्स अगर उठाने पड़े जी बिल्कुल उठाए जाएंगे, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारे डिप्लोमेट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारे लिए पैरामाउंट है। वेलकम बैक टू दो राय, बात करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में बढ़ती हुई कशीदगी की, लेकिन उससे पहले ऑन लाइटर नोट बाकर साहब, बहुत कुछ सुना कि जी डिप्लोमेसी में हर तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये पहली बार सुनने को मिला और ये एक हिंदुस्तान के अखबार में छपा कि इंडिया के जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर जेपी सिंह साहब हैं, उनके दरवाजे की घंटी रात के 3 बजे बजाई गई और फिर उसके जवाब में जो पाकिस्तान के डेप्यूटी हाई कमिश्नर हैं सैयद हैदर शाह साहब, उनके घर के दरवाजे की घंटी अगली रात बजाई गई रात की 3 बजे। तो ये आपको क्या लगता है सर, आपका फॉरेन पॉलिसी पे बहुत बड़ा सख्त गिरफ्त है, ये किस तरह का डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है जब आप जब दो न्यूक्लियर ममालिक इस तरह की हरकतों पर उतर आते? कोई मुनासिब हरकत तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जो डिप्लोमेसी है यहाँ पर, जो खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, वो उनको उसमें जो जो पल्ला जो है स्पाई एजेंसीज का या जासूसों का, वो ज्यादा भारी हो गया और वो अब डिक्टेट कर रहे हैं। अब वो अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ, आप भारत देख लें, उनका डोवल साहब वहां करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, और ये जो सफीरों को या डिप्लोमेट्स को उनके जो बाकी है इनको टेल करने की एक पुरानी एक ट्रेडिशन चल रही है कि जहां जाते हैं पीछे पीछे मोटरसाइकिल्स हैं, पाकिस्तान में भी और उधर भी भारत में भी। ये जो अभी जो अभी हुआ ये हरासा तो नहीं है? नहीं, ये तो हरासा अब वाला जो है, जो क्योंकि मामला ज्यादा गंभीर हो गया है कि पहली दफा देख रहे हैं कि बच्चों को भी और उनकी फैमिलीज को भी जाके तंग किया जाता है। वो एक जो डिप्लोमेट्स के साथ वो होता था, वो पार्ट ऑफ द गेम बन गया जब ओवर द इयर्स, अगरचे वो भी मुनासिब नहीं है, जहां बाकी मुमालिक के सफीर उनके मुल्क में भी और हमारी तरफ भी आजादी के साथ घूम सकते हैं, एक रिलेशनशिप का एक बैकग्राउंड है, एक वो उसमें है कि एक्रिमनी है, नाराजगियां है, तो वो ये भी है कि वो पाकिस्तान को भारत तस्लीम नहीं करता उस तरह से, माना तो हुआ है कि पाकिस्तान एक स्टेट है लेकिन अंडरमाइन करने की कोशिश करता रहता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, और ये लोग इनके दरमियान उनके अंडरकवर ऑफिसर्स भी होते हैं, तो वो एक चीजें हैं। लेकिन साथ साथ ये जो नया लेवल आया ना कि बच्चों को और फैमिलीज को करें, और कहा जा रहा है कि पिछले 8 दिन में, अभी 2-3 दिन पुरानी मेरी स्टेटिस्टिक है जो मैंने अपने एक आर्टिकल में कोट की थी इंडिया से पूछ के, कि 26 वाकयात हुए 8 दिनों में, तो एटलीस्ट ऑन एवरेज 3 वाकयात रोज के,
अब वहां पर किस तरह से एक डिप्लोमेट पहले अपनी सिक्योरिटी तो एक होती है, लेकिन जब फैमिली पे होता है तो वो ज्यादा उसके बारे में बंदा सेंसिटिव होता है, तो ये मुश्किलात पैदा करेगी। पाकिस्तान और इंडिया के जैसे मैंने जिक्र किया पहले ही इतने मसाइल है, कश्मीर है, टेररिज्म है, ऊपर से इस तरह के जब मसाइल बनेंगे तो नॉर्मलाइजेशन जो है जिसका हम हमेशा से जिक्र करते हैं और हम जिसके बहुत ज्यादा हक में भी हैं कि जी तलाकात नॉर्मल होने चाहिए, हमें हमसायों की तरह रहना चाहिए, वो हमारे डिस्प्यूट्स हैं उनको तो रिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन बेहतरी आनी चाहिए और इस तरह की कशीदगी ना हो, जैसा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि मुसलसल एक इजाफा आ रहा है। पिछले साल 1800 के करीब सीज फायर वायलेशन हुई, 78 प्लस लोग शहीद हुए हमारी साइड पे, इस साल भी काफी हद तक मोर देन डजन हो चुके। अच्छा, हालात खराब हो गए। और ये जो ट्रेंड है जो तालुकात में कशीदगी बढ़ती जा रही है, इसका हिंदुस्तान के डोमेस्टिक सूरत हाल से कितना ताल्लुक है? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ये अब तासुर देखने को मिलता है कि जी क्योंकि हिंदुस्तान भी अब उसमें अब हिंदू राष्ट्र की अब आवाज उठना शुरू हो गई है और एक बहुत ही असर्टिव और राइट विंग हुकूमत आ गई है जो बिल्कुल ही जिमनी इंतखाबात के लेवल पर भी कहती है कि जी यहां ISI का हाथ है और यहां पाकिस्तान का हाथ है और उससे लोगों के लोगों को उकसाती है, उस वजह से फिर खारजा पॉलिसी में भी इस तरह की सख्ती आई है, तलखी आई है, क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल। कि पाकिस्तान का तो पहले मैं पाकिस्तान से शुरू करूं कि हमेशा से ये मौकफ रहा है कि डायलॉग को बहाल होना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए मसाइल के ऊपर। जो सख्त गिर रवैया आया है और खास करके मोदी सरकार के आने के बाद आया है वो उनकी तरफ से है। उसके पीछे आपको पता है वहां हिंदू एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसको आप RSS कहें या कोई और उसका शक्ल कहें, तो वो जाके पाकिस्तान को एक ब्लेम नहीं सिर्फ करते बल्कि वहां के उन जो मुसलमान रहने वाले हैं वहां के उनके इर्गिर्द भी घेरा तंग किया और बाकी माइनॉरिटीज के भी किया, तो वो माइंडसेट आपकी गवर्नेंस में भी आपके फॉरेन रिलेशंस में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। काफी अरसे से सुस्त रवि का शिकार है। साबिक सदर और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से हालिया अदालती हुक्म में उनका पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। मुशर्रफ साहब ने हुकूमत से सिक्योरिटी की यकीन दहानी की शर्त पर पाकिस्तान वापस आने की रजामंदी भी जाहिर की है। प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे साबिक सदर मुशर्रफ साहब के केस का ऊंट किस करवट बैठेगा और अब तक जो सुस्त रवि इस केस में देखने में आ रही थी उसकी क्या वजूहात थी। जनाब जब मुशर्रफ साहब को जाने भी दिया था तो आज भी उनकी बात हो रही है, चौधरी निसार साहब जो तब वजीर दाखला थे उन्होंने कहा था कि 6 हफ्तों में परवेज मुशर्रफ चार। अच्छा जी जनाब देर यू गो, इससे भी एग्जैक्ट है, बल्कि आपने तो 2 हफ्ते शेव कर दिए टाइमलाइन से, 4 से 6 हफ्ते तक वापस आ जाएंगे। अब 6 हफ्ते तो नहीं, दो साल मार्च 2016 में गए, अब मार्च 2018 तो वापस तो नहीं आए सर, और इससे ज्यादा सिक्योरिटी उनको आदमी क्या दे। अब केस की मेरिट्स तो आप बेहतर जानते हैं किस तरह से वो केस चल रहा था या किन रीजंस की वजह से गए। मुशर्रफ साहब बार बार अभी भी बैठ के अपने आप को पॉलिटिकली रिवाइव करने की कोशिश करते बहुत हैं ज्यादा, जहां पर वो सेटिस्फेक्शन का इजहार करते हैं कि जी नवाज शरीफ के केस में इंसाफ हुआ या जिस तरह से हो रहा है, तो मेरा ख्याल में उनको सिस्टम में तो कॉन्फिडेंस है और उनको आके फेस प्रिंसिपली इस बात में तो कोई राय नहीं कि उनको आके यहाँ पे फेस करना चाहिए चाहे वो जो भी कहते हैं, लेकिन अब उन्होंने खुद ही इस सिस्टम में इन्हीं अदालतों में अपने उसका किया। जहां तक वो सुस्त रवि का शिकार है तो उनकी एब्सेंस की वजह से मामलात काफी देर तक प्रोलोंग होते रहे, इस वजह से ये सिविलियंस को भी यह नैरेटिव आपको सुनने के लिए मिलता है कि जी अगर हमारे ऊपर केस चल सकता है तो जो एक फौजी हुक्मरान था उसके ऊपर केस क्यों नहीं चल सकता। जी आमिर का लफ्ज आप इस्तेमाल कर ले, तो उन्होंने क्यों नहीं उनको ट्राई किया जाता, तो ये एक जो नैरेटिव है ये एक स्ट्रांग होता है और एक जनरल एक फीलिंग है। मुशर्रफ साहब अपने अभी भी अपने जो पेरेंट इदारा है उस पर बैंक करते हैं कि जी मुझे किसी तरह वो बचाएंगे, अभी भी जो उनका आता है कि जी मुझे गारंटीज डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मिले, वो GSQ को एम्बेरस नहीं करना चाहते इसलिए GSQ कहते नहीं है। हमने देखा है कि इनसे पहले जो टेन्योर था जो अभी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसमें कुछ इस तरह से जेस्चर्स किए गए जिनसे लगा कि आर्मी उनको खुलेआम सपोर्ट कर रही है। आपको याद होगा राहिल शरीफ साहब वहां पर एक कमांडोस का है गाजी के पास बेस, तो वहां जाके उन्होंने कहा था कि हम अपने इज्जत करवाना जानते हैं, और जब ये सारा पीक पे चल रहा था और जिस तरह ये मिलिट्री हॉस्पिटल में रहे, तो ये मामलात हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा फौज के ऊपर भी आता है। अभी जब कुछ लोग मिले कुछ यहाँ पर बड़े लोगों से तो वहां पर कहा गया कि हम उनके पीछे नहीं है, अगर गवर्नमेंट उनको लाना चाहती है तो ले आए। अच्छा। तो एक तरफ से ये भी इशारा था कि फौज अब
ان کا بیگیج شاید مزید برداشت نہیں کرنا چاہتی. تو راستہ تو اب کھلا ہوا ہے, لیکن اب طریقہ کار کا اختیار ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کوسچنیبل ہے, وہ ڈیبیٹ اس پہ ہو سکتی ہے. ابھی جس طرح کا انہوں نے کل کورٹ نے کل دیا پرسوں دیا یہ آرڈر دیا کہ ان کا جو سی این آئی سی ہے وہ سسپینڈ کر دیا جائے, ان کا پاسپورٹ سسپینڈ کر دیا. پہلا سوال تو عدالت کو پوچھنا چاہیے تھا کہ ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا تھا مارچ 2018 میں, یہ والا ان کے پاس ریڈ پاسپورٹ ہے, ڈپلومیٹک بینگ دا پریزیڈنٹ جو ایکس پریزیڈنٹ ان کے پاس وہ ہے, لائف ٹائم ان کے پاس رہتا ہے, تو وہ ہو رہا تھا, تو اس کی کس نے اپروول دی ایکسٹینشن کی؟ آپ کو اسی سے نیت کلیئر ہو جائے گی کہ کہاں کس نے کس لیول پہ یہ سارا کا آپریٹ ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ جو کرنا ہے اس کی تھوڑی سی کونوٹیشنز ہیں. ایک تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ آپ ایبسکونڈرز کو ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ یہ کیس سی آر پی سی کے اس پہ کرمنل پروسیجر کے تحت چل رہا ہے, تو اس کی سیکشنز 87-88 ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں, ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. ایک ایبسکونڈر ہے, اس میں کہیں بھی شناختی کارڈ کا منسوخ کرنا یا حتیٰ کہ اس کو سسپینڈ کرنے کی بات نہیں ہے. اس میں باقی صاحب, کیونکہ آپ نے شروع میں کہا نا, یہ سویلینز کا ایک طرح کا بیانیہ دیکھنے کو ملتا ہے, اس میں بڑے آرام سے وہی سویلینز جن کو شاید یہ باتیں آسانی سے سمجھ نہیں آتی, وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم پرویز مشرف صاحب کے بنیادی حقوق کی کیوں بات کریں, کیونکہ جب لاپتہ افراد کا نظام شروع ہوا تھا تو ان کے بنیادی حقوق کی تو کوئی بات نہیں کر رہا تھا. جب دوسری جانب جب آپ کے نامعلوم افراد کراچی میں چن چن کے لوگوں کو مار رہے تھے تو ان وکٹمز کے بھی بنیادی حقوق کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا. جب دستور کو بھی الٹایا گیا تو کسی کے بنیادی حقوق کے بارے میں بات نہیں کیا گیا. انتی آئیکن دبائیے اور ایپک پاکستان کی اپ ڈیٹ پائیے. ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کمنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں. ہماری چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا